गुड मॉर्निंग. टुडे वी डिस्कस अबाउट द अब्रप्शो प्लेजेंटा. इन दिस अब्रप्शो प्लेजेंटा वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ अब्रप्शो प्लेजेंटा, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ अब्रप्शो प्लेजेंटा, थर्ड एन्यूमरेट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, फोर्थ टू डिस्कस द इंसिडेंस ऑफ अब्रप्शो प्लेजेंटा, देन टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ अब्रप्शो प्लेजेंटा, नेक्स्ट टू डिस्कस द साइन एंड symptom of abruptio placenta, next explain diagnosis and management of abruptio placenta. Next we directly come on introduction. It is a form of antepartum hemorrhage. It is genital bleeding during pregnancy after the 20 to 24 week of pregnancy up to delivery. Antepartum hemorrhage is a two type, placenta previa and abruptio placenta. Antepartum hemorrhage, it is a genital bleeding जो मेनली होती है 20 to 24 वीक से लेके अप टू डिलीवरी. इसके अंदर टू कैटेगरी आती है, प्लेजेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शो प्लेजेंटा. एंटीपार्टम हेमरेज एंड देयर क्लासिफिकेशन वी डिस्कस्ड ऑन माई प्रीवियस क्लास इन प्लेजेंटा प्रीविया. नाउ वी कम डायरेक्टली ऑन अब्रप्शो प्लेजेंटा. डेफिनेशन, अब्रप्शो प्लेजेंटा आर डिफाइंड एज प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेजेंटा आफ्टर 28 वीक जेस्टेशन एंड बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी. जो मेनली अब्रप्शो प्लेजेंटा है उसको बोलते हैं प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेजेंटा. इट मीन्स प्री मेच्योर सेपरेशन मीन्स होता है जो नॉर्मल सेपरेशन ऑफ प्लेजेंटा है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर रहेगा. अगर उससे पहले अगर प्लेजेंटा का सेपरेशन होता है मेनली 28 वीक से लेके बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेजेंटा. नेक्स्ट इंसिडेंस, इंसिडेंस मेनली जो है वो 1 in 150 डिलीवरीज के अंदर नोटिस है, या हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस अब्रप्शन का है तो उसके अंदर 5 to 17%, स्मोकिंग 90%, प्राइमरी ग्रेविडा जो है उसके अंदर 1%, और मल्टी ग्रेविडा जो रहती है उसके अंदर 2 to 5% चांसेस ऑफ अब्रप्शन प्लेजेंटा रहेगा. नेक्स्ट वी कम ऑन अब्रप्शन वर्ड मीनिंग, मीन्स डिटेस्ट का मीन्स क्या होता है. फर्स्ट डी से होता है डार्क रेड ब्लीडिंग, ई मीन्स एक्सटेंडेड फंडल हाइट, टी मीन्स टेंडर यूट्रस, ए मीन्स एब्डोमिनल पेन, सी मीन्स कंसील्ड ब्लीडिंग, एच मीन्स हार्ड एब्डोमन, ई मीन्स एक्सपीरियंस डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी, डी मीन्स होता है डिस्ट्रेस्ड बेबी. नेक्स्ट वी कम ऑन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. फर्स्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मेनली इम्प्लांटेड साइट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो रहेगा वो डायरेक्टली अब्रप्शन ऑफ प्लेजेंटा करेगा. सेकेंड ट्रॉमा और इंजरी लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉलिंग फ्रॉम हाइट या अदर, या नोसोकोमल मीन्स अम्नियोसिंथेसिस प्रोसीजर, या एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लेजेंटा का इम्प्लांटेड साइट है वो वहाँ से सेपरेट रहेगा. नेक्स्ट होता है माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है मेनली. जो नॉर्मल प्रेगनेंसी टाइम पे जैसा एंडोमेट्रियम में चेंजेस होना चाहिए, अगर माल न्यूट्रिशन की वजह से वो प्रॉपरली चेंज नहीं होती, उसकी वजह से जो है यूट्रस की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. नेक्स्ट होता है स्मोकिंग. स्मोकिंग के अंदर वैसो स्पास में रहेगा जिसकी वजह से सेपरेशन रहेगा. एडवांसिंग एज ऑफ मदर, मदर की एज अगर 35 ईयर्स से ज़्यादा होती है तो यूट्रस की जो होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, मसल स्टोन जो रहती है वो लूज हो जाती है. नेक्स्ट होता है पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, वुमेन जो है वो माल नर्स रहती है
और उसके अंदर हाई बर्थ ऑर्डर रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस की जो टोन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं रहेगी। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या रहेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो डेवलप हो जाता है। साथ में क्या होता है, जो न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन है वो प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हाइपरटेंशन। अगर मैटरनल ब्लड वेसल्स के अंदर फोर्स रहेगा तो क्या रहेगा, वो वहाँ से सेपरेशन स्टार्ट कर देती है इम्प्लांटेशन साइट के यहाँ से। कोकीन यूज़, कोकीन की वजह से क्या होता है, वेसो स्पास्म कंडीशन डेवलप होगी। कैटेकोलेमाइन रहता है और कैटेकोलेमाइन क्या करता है, वेसो स्पास्म प्रॉपर्टीज डेवलप करेगा। नेक्स्ट होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के अंदर जैसे फर्स्ट हाई बर्थ ऑर्डर, मैटरनल एज, मैटरनल ट्रॉमा, हाइपरटेंशन, माल न्यूट्रिशन, कोकीन अब्यूज, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट वी कम ऑन पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अंदर फर्स्ट क्या होता है, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स प्लेजेंटल अब्रप्शन इज इनिशिएटेड बाय हेग इनटू डेसिडुअल बैसिलस। जो प्लेजेंटा है वो डेसिडुअल बैसिलस से सेपरेशन स्टार्ट करता है। उसकी वजह से क्या होगा, द कलेक्टेड ब्लड एट द अर्ली फेज इन बिटवीन द स्पेस, इसको बोलते हैं डेसिडुअल हिमेटोमा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड जो है वो कंटिन्यू कलेक्ट होता रहेगा इन कंसिल टाइप, ब्लड एक्यूमुलेट एंड सिप्स इनटू द मायोमेट्रियम। ब्लड जो है वो कंटिन्यू कलेक्ट होते होते मायोमेट्रियम के अंदर एंटर करते हैं। मायोमेट्रियम के अंदर एंटर करने की वजह से क्या रहेगा, यूट्रस जो है वो कोवुलरी यूट्रस के अंदर डेवलप हो जाता है। ये एक पैथोलॉजिकल एंटिटी है। इसके अंदर क्या रहेगा कि मासिव इंट्रावेशन ऑफ ब्लड इनटू द यूटेराइन मस्कुलरेचर अप टू सीरस पोर्ट, और ये मेनली जो है वो लैप्रोटोमी के थ्रू डायग्नोस्ड होती है। इसके अंदर नेक्स्ट आई फीचर्स जो रहेगा वो दिखता है, यूट्रस इज डार्क पोर्ट वाइन कलर विच मे बी पेची और डिफ्यूज, इट टेंड टू अकर इनिशियली ऑन द कॉर्नू ऑफ कॉर्नू देन स्टार्ट एंड नेक्स्ट स्प्रेड ऑल ओवर द यूट्रस। पेचाई हेमरेज आर फाउंड अंडर यूटेराइन पेरिटोनियम एंड ब्रॉड लिगामेंट। फ्री ब्लड मेनली प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी और ब्रॉड लिगामेंट। नेक्स्ट इन कोवुलरी यूट्रस यू सी इन दिस इमेज, इट इज ए पॉट लाइक स्ट्रक्चर एंड डार्क वाइन रेड या ब्राउन कलर पैचेस मेनली डेवलप। दिस पैचेस मेनली इन कॉर्नर ऑफ द यूट्रस एंड स्प्रेड ऑल ओवर यूटेराइन बॉडी एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अब्रप्शो प्लेजेंटा। टाइप ऑफ अब्रप्शो प्लेजेंटा इट इज मेनली इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट रिवील्ड टाइप्स। रिवील्स टाइप्स द ब्लड इंसिनरेट्स डाउनवर्ड्स बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ, द ब्लड कम आउट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल टू द विजिबल एक्सटर्नली, दिस इज द कॉमन टाइप। इट मीन्स जो है इसके अंदर प्लेजेंटा का सेपरेशन जो है वो मार्जिन से होता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे प्लेजेंटा का सेपरेशन हो रहा है वैसे वैसे कंटिन्यू ब्लड बाहर की तरफ आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवील्ड टाइप। सेकेंड होता है कंसील्ड टाइप। द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेजेंटा और कलेक्टेड इन बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ, द कलेक्टेड ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द सर्विक्स बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट विच प्रेस ऑन द लोअर सेगमेंट। इट मीन्स जो प्लेजेंटा का इसके अंदर सेपरेशन जो रहेगा वो रहता है सेंटर में,
इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो क्या रहेगा, सेंटर वाले पार्ट्स में कंटिन्यू कलेक्ट होता रहेगा, और जैसे जैसे वो सेपरेशन मार्जिन पे पहुंचता है तब मे बी चांसेस ऑफ ब्लड जो है वो बाहर आता है, या क्या होता है ब्लड जो है वो कंटिन्यू इनर साइड में एक्यूमुलेट रहता है लेकिन लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंट रहने की वजह से वो बाहर की तरफ आता नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या रहेगा, वो यूट्रस के अंदर ही कंटिन्यू कलेक्ट रहेगा। इस टाइप को बोलते हैं कंसील्ड टाइप। नेक्स्ट है मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप के अंदर क्या होता है कि मेनली जो है वो ब्लड इनसाइड भी रहता है और सम पार्ट एक्सपर्ट आउट, दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, रिवील्ड और कंसील्ड टाइप की, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड टाइप। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हम देखते हैं इन दिस फर्स्ट इज कंसील्ड टाइप, इट मींस ब्लड आर नॉट सिप्स इनटू द लोअर सेगमेंट एंड नॉट कम इन वजाइना। इन सेकंड दिस इज ए मिक्स्ड टाइप, इन दिस वी शो द ब्लड सम पार्ट एक्यूमुलेट इन सेंटर एंड सम पार्ट आर सिप आउट। नेक्स्ट रिवील्ड इन दिस कंटिन्यू ब्लड थ्रू आउट रन इन टू द वजाइना। नेक्स्ट है ग्रेड के अकॉर्डिंग, क्लिनिकल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट जो है वो होता है ग्रेड जीरो। ग्रेड जीरो के अंदर नो साइन एंड सिम्टम इन एंटी पार्टम हेमरेज। डायग्नोसिस इज मेड आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ प्लेजेंटा फॉलोइंग डिलीवरी, है ना। देयर इज नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एंड वजाइनल ब्लीडिंग इज एब्सेंट। ग्रेड फर्स्ट मेनली जो है वो 45% कॉजेज जो रहेंगे वो इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर लेस देन 15% ब्लड लॉस इन टोटल ब्लड, माइल्ड सेपरेशन ऑफ द प्लेजेंटा, नो कॉम्प्लिकेशंस एंड शॉक एब्सेंट। फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल एंड वजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट बट स्लाइटली। मैटरनल पल्स एंड फिब्रिनोजन एंड ब्लड प्रेशर लेवल नॉट अफेक्टेड एंड यूटेराइन टेंडरनेस इरिटेबिलिटी भी नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट है ग्रेड सेकेंड, इट इज मॉडरेट सेपरेशन ऑफ द प्लेजेंटा, मेनली 45% जो इंसिडेंस है वो ग्रेड सेकेंड के अंदर है। फीटल हार्ट साउंड रेट जो रहेगी डिक्रीज रहेगी, टोटल ब्लड लॉस 25% एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड ग्रेड है। और इसके अंदर क्या रहता है, मैटरनल पल्स जो है वो इंक्रीज रह जाती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन है लेकिन फिब्रिनोजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, साथ में फिटल डिस्ट्रेस कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी और वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट रहती है। नेक्स्ट है ग्रेड थर्ड, जो मेनली 15% जो केस रहेगा वो ग्रेड थर्ड के अंदर आते हैं। इसके अंदर सीवियर सेपरेशन ऑफ द प्लेजेंटा, सीवियर सेपरेशन की वजह से क्या रहेगा, ब्लीडिंग जो है वो उसका लॉस ज़्यादा रहता है, मोर देन 30% टोटल ब्लड लॉस इसके अंदर रहेगा। शॉक कंडीशन इन वुमेन, फीटल हार्ट रेट एब्सेंट, फीटल डेथ और देयर इज शॉक इज प्रोनाउंस्ड रहेगा। इसके अंदर कोगुलेशन फैक्टर्स जो रहेंगे वो डेफिसिट रहेंगे और यूटेराइन टेंडरनेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। इसके अंदर फर्स्ट जो रहता है वो है पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, यूटेराइन इरिटेबिलिटी इज कॉल्ड क्लासिकल साइन एंड सिम्टम। ये जो है ये डिफरेंट फीचर्स होता है प्लेजेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शो प्लेजेंटा के अंदर। प्लेजेंटा प्रीविया के अंदर साइलेंट वजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन अब्रप्शो प्लेजेंटा के अंदर पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग रही। सेकेंड जो है डार्क वजाइनल ब्लीडिंग या डिपेंड ऑन कंसील्ड या रिवील्ड टाइप है उसके ऊपर
ब्लीडिंग का कलर रहेगा। थर्ड है रिकरेंट ब्लीडिंग। रिकरेंट ब्लीडिंग मीन्स कि कभी ब्लीडिंग प्रेजेंट रहती है, कभी स्टॉप रहती है, देन वापस प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है, डिपेंड ऑन सेपरेशन। कभी सेपरेशन प्रेजेंट है, कभी रुक जाता है, फिर सेपरेशन स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है। तो इस टाइप से ब्लीडिंग जो है वो रिकरेंट टाइप की ब्लीडिंग रहेगी। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट जो है डायमेंड्स रहेगा, मेनली एन्यूरिया कंडीशन रहेगी। यूट्रस जो है वो हार्ड रहेगा, एनीमिया, ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया के फीचर्स जो रहेंगे, जैसे वीकनेस, लेजीनेस, डिजीनेस कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट है अगर ब्लड लॉस कंटिन्यू रहता है तो शॉक एंड बैक पेन, कंटिन्यू कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से बैक पेन डेवलप हो जाता है। यूटेराइन टेंडरनेस, यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। इसके लिए फर्स्ट जो है डायग्नोसिस जो है वो रहता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से एग्जैक्ट कौन से टाइप का है, कितने परसेंट सेपरेशन हुआ है और लोकेशन क्या है प्लेसेंटा की, वो एग्जैक्ट फाइंड अप होती है। नेक्स्ट होता है कोगुलेशन प्रोफाइल। कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर क्लोटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज्ड हो जाता है मोर देन 6 मिनट। फिब्रिनोजन लेवल जो है लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट्स का काउंट जो है इसके अंदर डिक्रीज रहेगा। ये प्रोथ्रोम्बिन एंड पार्शियली प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये भी इंक्रीज रहेंगे इसके अंदर। और एक इसके अंदर टेस्ट जो रहेगा ब्लड HB लेवल जो है वो चेक करते हैं, साथ में RS फैक्टर है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। अगर यूरिन के अंदर डायमेंस्ड है, एन्यूरिया होता है, तो वो इसके अंदर चेक करेंगे। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस जो फर्स्ट है वो होता है इट इज़ मैटरनल मॉर्टेलिटी रहेगा, सेकेंड हाइपोवोलेमिक शॉक, थर्ड रीनल फेलियर, फोर्थ DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी, PPH पोस्टपार्टम हेमरेज का भी चांसेस रहेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ट्रांसफ्यूजन्स क्या होता है, फर्स्ट इट मीन्स ट्रांसफ्यूजन ऑफ RBC मेनली 10 यूनिट्स जो रहेगी विद इन 24 आवर्स। तो उसकी मेनली क्या करते हैं, ये ब्लड लेवल को नॉर्मल करने के लिए ब्लड इन्फ्यूज़न करेंगे, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं, लाइक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, या कोगुलोपैथी फीचर्स डेवलप होते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट होता है सीहन सिंड्रोम। सीहन सिंड्रोम जो होता है इट इज़ ए अबनॉर्मल या इंजरी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड लॉस या डायरेक्ट इंजरी जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, उसकी वजह से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना वर्क प्रॉपरली कर नहीं पाती। पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या होती है, एक मास्टर ग्लैंड होती है। मास्टर ग्लैंड अगर अपना वर्क प्रॉपर नहीं करती तो वो जैसे कि उसके जो हार्मोन सिक्रेशन है जो रेगुलेट करते हैं बॉडी को, वह फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। या जैसे कि एग्जांपल कि अगर वो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट कर रही है तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल जो नॉर्मल जितना सिक्रेशन होना चाहिए वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं कर पाएगी, तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता, इसकी वजह से बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। इस टाइप की प्रॉब्लम वुमेन के अंदर डेवलप हो सकती है। ये थोड़े टाइम बाद अगर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है या एक टाइम के बाद ये करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर आफ्टर डिलीवरी अब्रप्शन प्लेसेंटा की इमेज दे रखी है कि जो ब्लड जो है कंसील टाइप से कंटिन्यू कलेक्ट होके उसके अंदर क्या हुआ, प्रोटीन फैक्टर एक्टिव होके ब्लड कोगुलेट हो गया। नेक्स्ट फीटल कॉम्प्लिकेशंस जो है, फर्स्ट फीटल डेथ, सेकेंड हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, थर्ड IUGR,
फोर्थ नियोनेटल एनीमिया, फिफ्थ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ये सब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही उसकी वजह से डेवलप होंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है डिपेंड ऑन जेस्टेशनल वीक, डिपेंड ऑन मैटरनल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इसके अंदर जैसे फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर वी यूज़ फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट, सेकेंड ऑक्सीजन इनहेलेशन, थर्ड एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक यूज़, फोर्थ वजाइनल डिलीवरी, मिनिमल ब्लड लॉस, मदर कंडीशन इज स्टेबल एंड टू गिव बेटर बीटा मिथासोन फॉर लंग मैच्योरिटी। ये सब जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल होता है या सपोर्ट में, जैसे कि नॉर्मल अगर वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती तो वी यूज सेकेंड LSCS प्रोसीजर। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर के अंदर फर्स्ट ऑल मैटरनल एंड फीटल वाइटल साइन शुड बी फ्रिक्वेंटली एंड रिकॉर्डेड केयरफुली, सेकेंड अमाउंट एंड नेचर ऑफ ब्लीडिंग टू बी असेस्ड एंड रिकॉर्डेड, थर्ड कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न, सर्वाइकल स्टेटस टू बी मॉनिटर इफ द वुमेन इज द एक्टिव लेबर, फोर्थ यूरिनरी आउटपुट एंड स्किन कलर शुड बी ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड, फिफ्थ फिजिकल कम्फर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड, द वुमेन मस्ट बी असिस्टेड टू रेस्ट इन लेफ्ट लेटरल पोजिशन। नेक्स्ट फंडल हाइट एंड एबडोमिनल गिर्थ विथ आर टू बी मेजर आवर्ली। नेक्स्ट इंक्रीज इंडिकेट कंटिन्यू ब्लीडिंग बिहाइंड द प्लेजेंटा। नेक्स्ट फीटल हार्ट रेट शुड बी मॉनिटर कंटिन्यूसली एंड ऑक्सीजन टू बी एडमिनिस्टर टू रिलीव हाइपोक्सिया। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी मेड फॉर एनी डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन सच एज हाइपोटेंशन, हाइपोवोलीमिया, शॉक एंड DIC। नेक्स्ट अवॉइडिंग इन स्मोकिंग एंड एल्कोहल। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, फर्स्ट जो है टू अवॉइड इन स्मोकिंग एंड अल्कोहल, सेकेंड टेक द प्रीनेटल फॉलिक एसिड, थर्ड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, फोर्थ रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रॉमा, फिफ्थ टू प्रमोट सेफ केयर एनवायरमेंट, सिक्स कीप द रेगुलर शेड्यूल फॉर प्रीनेटल चेक। नेक्स्ट टू अवॉइड द रिस्क फैक्टर एंड कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन के बाद नेक्स्ट वी कम ऑन सेकेंडरी प्रिवेंशन। फर्स्ट आइडेंटिफाई फीटल एनोमलीज, सेकेंड हिस्ट्री ऑफ प्रायर प्रीटर्म लेबर, मल्टीपल जेस्टेशंस, यूटेराइन एनोमलीज, सीरीज ऑफ मैटरनल डिजीज एंड इडियोपैथी। इन सब फैक्टर को फाइंड अप करके इनके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट लेना। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी, and thank you for class.